फ्लिपकार्ट पे वार। जी हाँ, बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर हो रहे हैं और जब पानी सर से ऊपर जाता है तब हमें वीडियो बनानी पड़ती है, क्योंकि ऐसे तो अमेज़न के भी काफ़ी इश्यूज होते हैं, मिंत्रा के होते हैं, इसके उसके होते हैं, लेकिन फ्लिपकार्ट से रिलेटेड हर हफ्ते में मुझे कम से कम 5 से 6 बार लोग टैग करते हैं और बताते कि हमारे साथ किस किस तरीके का सीन हो रहा है, किस किस तरीके का फ्रॉड हो रहा है। और बुरा ये लगता है कि भाई फ्लिपकार्ट वाले इतना जल्दी उसको एक्नॉलेज भी नहीं करते, रोबोटिक रिप्लाई देते और लोग परेशान हो जाते, कुछ लोग पुलिस कंप्लेंट करते, कुछ लोग ये करते वो करते। आज हमने कुछ ऐसी जेन्युइन चीज़ें उठाई है और वैसे तो हज़ारों के हिसाब से, बट हम कुछ ऐसी चीज़ें उठाए जो ज़्यादातर लोगों के साथ होता है और उस पर हम आज बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर, इस वीडियो का मतलब ये है कि सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करना, इसका मतलब ये नहीं कि फ्लिपकार्ट को बैन कर दो, फ्लिपकार्ट से कुछ मत परचेस करो, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग करते हैं, न्यू लॉन्चेस होते हैं जो ज़्यादातर फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल होते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम बोलेंगे कि फ्लिपकार्ट से मत लो, नहीं, ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए कि आपको सर्टेन प्रोडक्ट्स होते हैं वो देखकर परचेस करना है, ध्यान रखना है और अलर्ट होना है। ये वीडियो बस उसी के लिए बनाया जा रहा है। पहली चीज यहां पर बात करते हैं फेक प्रोडक्ट्स की। इतनी बड़ी वेबसाइट है, आप सोचो इतनी पॉपुलर वेबसाइट है, और वहां पर जब भी आपको जेन्युइन प्रोडक्ट परचेस करने के लिए जाते हैं वो आपको फेक प्रोडक्ट देते हैं। पहला तो अपने ही दोस्त एक मुकुल शर्मा, उनके साथ ये सीन हुआ था ट्विटर पे। उन्होंने एक एयरपॉड्स लिया था एप्पल का, ओरिजिनल एयरपॉड्स, 20-25 हज़ार की वैल्यू रहती है, उनको आ गया फेक। वो बड़े परेशान हुए, उन्होंने इधर उधर ट्वीट किया, बहुत सारी चीज़ें हुई, जब जाके फ्लिपकार्ट ने एक्नॉलेज किया। आप वो तो क्रिएटर है तो हो भी गया, जो नॉर्मल बंदा है उसको तो कितनी चप्पल घिसनी पड़ी होगी, आप खुद सोच लो। मतलब इतनी बड़ी वेबसाइट, इतना आप ट्रस्ट करते हैं, वहाँ से एक जेन्युइन प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हैं, वो हमें दे रहा है फेक, और इतने रियल होते हैं वो कि पता भी नहीं चलता कि ये असली है या नकली है। जो नॉर्मल बंदा है जिसको नॉलेज नहीं है वो तो यूज़ कर लेगा, दे रहा 25 हज़ार, मिल रहा है 6 हज़ार का माल, ये काम कहाँ पर हो रहा है? ये कोई ऐसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर नहीं हो रहा है, कोई फ्रॉड वेबसाइट पर नहीं हो रहा है, ये फ्लिपकार्ट पर हो रहा है। सोचो, एक और यहाँ पर किस्सा निकल कर आया। एक बंदा है, आईफोन 13 ऑर्डर दिया फ्लिपकार्ट से 17 अप्रैल का ये किस्सा है, और उसको रीसील पैकेट मिला। इसका मतलब ये कि पहले किसी ने कांड कर दिया होगा, ये डिलीवरी बॉय का सीन है या किसका पता नहीं, उसने अंदर कुछ चीज़ें भर दिया, उसको रीसील किया और इस बंदे को ला कर दे दिया। इसने पूरा वीडियो बनाया है, आप मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर चाहिए तो छोड़ दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। पहले कभी कभी ऐसा भी लगता है ना कि लोग डिफेम भी करते हैं, क्योंकि अभी हमें नहीं पता एक्चुअल कहानी क्या, क्योंकि ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं थी। ओपन बॉक्स होती तो शायद हमें पता चल जाता, वो वहीं के भी रिटर्न भी कर देता। देखो, ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं होती तो कितना बड़ा इशू होता आप देख सकते हैं। फिर इसने पुलिस कंप्लेंट किया और उसका भी फोटो उसने शेयर किया है, तो हो सकता है कि किस्सा जेन्युइन हो। एकदम भी हम ब्लाइंडली किसी पे बिलीव नहीं करते, लेकिन जब फेक प्रोडक्ट्स यहां पर फ्लिपकार्ट पर सोल्ड हो रहे हैं, किससे सामने आए, तो हमको लगता है कि शायद ये भी सही हो सकता है जो उसके साथ यहां पर हुआ है। अब बात यह कि अब इसके पैसे जो इसने डाला है वो कब मिलेंगे, क्या होगा, इसके बारे में तो अभी कुछ श्योरिटी है नहीं। तो फेक प्रोडक्ट्स फ्लिपकार्ट पर सोल्ड होते हैं, हमें डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसी के साथ यहाँ पर एक बंदा है जिसने ल्यूमिनस इन्वर्टर ऑर्डर दिया था फ्लिपकार्ट से, ये 20 मई का किस्सा है, और ऑर्डर तो कंफर्म हो गया, लेकिन कुछ 10 या 11 दिन बाद ऑर्डर कैंसल्ड हो गया। और ये वाला जो सीन है, इसके लिए मुझे बहुत सारे लोग टैग करते हैं कि भाई हमने ऑर्डर दिया, ऑर्डर कैंसिल हो गया। मतलब ये गलत बात है, अगर आपको लेना ही नहीं तो आपने ऑर्डर एक्सेप्ट किया क्यों? बाद में ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं और उसके बाद फिर रिफंड के लिए हमें धक्के खाने पड़ते हैं। अब इसका पता नहीं रिफंड कब आएगा, कैसे होगा, 10 दिन से तो वैसे भी वेट करवाए, प्रोडक्ट आया नहीं हाथ में, अब फिर कैंसिल कर दिया, अब कितने दिन बाद रिफंड आएगा, तो मतलब उसका टाइम तो वेस्ट हो गया। तो ये भी एक चीज़ होती है कि ऑर्डर लेने के बाद फ्लिपकार्ट पर ज़्यादातर ऑर्डर कैंसल्ड भी हो जाते हैं। जब सेल आता है तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखी जाती है कि जब भी कोई चीज़ आपको 50 हज़ार की 30 हज़ार में मिलती है, आपने ऑर्डर दे दिया, आईफोन के भी कुछ ऐसे लफड़े हुए थे बीच में, तुरंत यहाँ पर ऑर्डर कैंसिल भी हो जाता है, या तुरंत होता है या 4-5 दिन बाद होता है। ये चीज़ बहुत गलत है, मतलब आप सिर्फ खाली ट्रैफिक जमा कर रहे हैं, जेन्युइन प्रोडक्ट आप दे ही नहीं रहे। एक और चीज़ यहाँ पर यह आई कि ब्रांड रिप्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, फ्लिपकार्ट के ऊपर एक बंदा है जिसने कुछ कैचमैन या समथिंग का टी शर्ट ऑर्डर दिया, जब आया उसके पास तो किसी और ब्रांड का टी शर्ट निकला। ये फ्लिपकार्ट पर हो रहा है, ये कोई इधर उधर नहीं हो रहा है, वो शॉप कौन सा था साकी, वो शॉप क्लू उधर होता था ये पहले, ये फ्लिपकार्ट पर हो रहा है। मतलब ऑर्डर कुछ दिया, ऑर्डर कुछ आया कुछ और, कैसे होता है मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब कैसे सेलर है फ्लिपकार्ट के पास, और फ्लिपकार्ट की पॉलिसी देखो कैसी है कि इतना भी ध्यान नहीं रख सकते कि ये बंदे ने कुछ और ऑर्डर दिया कुछ और आ गया। मतलब आप कल को कुछ और नेकबैंड ऑर्डर दे रहे, आएगा नेकबैंड पता चला किसी और ब्रांड का, अभी थर्ड पार्टी थर्ड क्लास ब्रांड का आ गया, तो उसके लिए भी फिर धक्के खाओ। तो ये सारी चीज़ें बहुत चीप लगती है मुझे, जो नहीं होना चाहिए। अब ये थोड़ा डिफरेंट मामला है, ये अभी सबके साथ नहीं होता, ये हैकिंग वाला मामला है। फ्लिपकार्ट का किसी का आईडी पासवर्ड किसी के पास चला गया होगा या किसी ने हैक कर दिया होगा, तो उस बंदे का जिसका हैक हुआ उसके आईडी में जाकर पे लेटर ऑप्शन चूज करके ये वाले बंदे ने अपने एड्रेस के ऊपर आईपैड एयर जो है वो ऑर्डर दिया, 57,000 समथिंग इसकी कीमत है। ये बंदे ने ट्वीट भी किया था, देखो मेरे साथ क्या हो रहा है यहाँ पर,
और अभी तक फ्लिपकार्ट ने इसका एक्नॉलेज नहीं किया और धक्के खा रहा है बेचारा ये। तो ये पे लेटर वाला ऑप्शन चूज करके उस बंदे ने इसके साथ यहाँ पर कांड कर दिया, जो ये भी देखा जा रहा है फ्लिपकार्ट के ऊपर, जो मुझे पता नहीं कि फ्लिपकार्ट इसके ऊपर क्या उनकी पॉलिसी है इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। खैर, ये तो फेक प्रोडक्ट्स की लिस्ट है, रिप्लेसमेंट की लिस्ट है, उल्लू बनाने की लिस्ट है, ऑर्डर कैंसिल की लिस्ट है, ये हज़ारों की तादाद से अगर आप ट्विटर पर सर्च करते, आप गूगल करते, कुछ आर्टिकल्स भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या सीन है। इसके लिए बहुत टाइम से अगर आपने देखा रहेगा मेरे चैनल के ऊपर, मैं फ्लिपकार्ट के लिंक्स बहुत कम डालता हूँ, मैं प्रोडक्ट रिकमेंडेशन बहुत फ्लिपकार्ट से कम देता हूँ, अमेजोन से ज़्यादा देता हूँ। अब एक्सचेंज की बात करते हैं यहाँ पर। अभी एक्सचेंज कैसा है कि ऑन द स्पॉट अभी आप कोई भी फोन लेते हैं तो उसकी वैल्यू आपको मिलकर एक्सचेंज हो जाता है। एक 10 दिन वाला भी ऑप्शन यहाँ पर ऐड किया उन्होंने, इनकेस अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना है तो उसके लिए 10 दिन तक आप पुराना फोन रख सकते हैं, 10 दिन बाद यहाँ पर दे सकते हैं। इसमें डर इस बात का है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल एक 9000 वाला फोन लिया, उसकी एक्सचेंज वैल्यू अगर आपको 7000 मिलती है, क्या पता 10 दिन बाद वो आपको बोलते कि भाई ये एक्सचेंज वैल्यू उसकी इतनी नहीं है, या एक्सचेंज वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो आपने जो 9000 दिए वो आपको पूरे के पूरे देने पड़ेंगे, फिर रिफंड के लिए अलग धक्के खाना वो बात अलग है। तो ये ऑप्शन मुझे लगता है कि बहुत रिस्की है, इसको गलती से भी चूज मत करना। इतना ही नहीं, पिकअप चार्जेस भी देता है 129 रुपीज़, हर जगह से लोगों को लूटने की सोचता है कि कोई चीज़ रिटर्न करो, कुछ करो, तो उसमें भी एक एक रुपये चार्ज करते हो, 129 रुपीज़ जो है वो यहाँ पर भी चार्ज किया जा रहा है। तो ये जो न्यू ऑप्शन आया, आपको लग रहा होगा कि बड़ा अच्छा है, रिस्की लगता है, कर सकते हो आप, आपके लिए फायदा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन थोड़ा रिस्की लगता है कि क्या पता आगे चल के वो उसको एक्सेप्ट ना करे तो आप उसका क्या कर लेंगे, बात वो है। अच्छा, पैकेजिंग चार्जेस सेल्फी की बात करें तो आजकल जो पैकेजिंग चार्जेस जो वो खुद करते हैं उसके पैसे हमसे लेते हैं, 29 रुपये। हाँ, अगर आप फ्लिपकार्ट पर जाओगे तो आजकल आपको पता चल जाएगा। इतना ही नहीं, वो जो सेल हमें देते हैं, जो सेल आता है वो एहसान करते हैं, उसके भी 10 रुपये चार्ज करते हैं। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेस करते हैं सेल में, आप सोच रहे हैं 10 रुपये ना क्या बात है, कोई बात नहीं दे देंगे, लेकिन आपके जैसे लाखों लोग करते हैं, सोचो कितना रेवेन्यू वो इस मामले में जनरेट करते हुए। ये भी एक चीज़ है कि छोटे छोटे मामलों में लोगों से पैसे ऐंठना हर चीज़ में जो फ्लिपकार्ट करता है, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा चीप बात है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रिटर्न पॉलिसी जो हाल ही में उन्होंने यहाँ पर चेंज किया था, इसमें ऐसा है कि जैसे कि अमेज़ॉन के ऊपर आपको रिप्लेसमेंट पॉलिसी मिलती, कुछ इशू हो गया तो आपने रिप्लेस कर दिया, हाँ मानते हैं कि वो अभी ओपन बॉक्स वाला फीचर है, ठीक है, लेकिन इनकेस अगर यहाँ पर कुछ इशू होता है एक हफ्ते के अंदर, तो बताया जाता है कि आपको ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर जो ब्रांड की जिसका प्रोडक्ट आपने लिया है वहां पर जाना पड़ेगा, फ्लिपकार्ट का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप रिटर्न पॉलिसी फ्लिपकार्ट की फ्लिपकार्ट पर जाकर चेक करेंगे, आप देख सकते हैं यहां पर क्लियरली मेंशन है कि फ्लिपकार्ट नहीं करेगा, वो उधर जाकर आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। मतलब आपने एक बार प्रोडक्ट ले लिया तो डूब गए, ऐसा मतलब ऐसा, और 10 जगह पे आपको धक्के खाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हुई है। वैसे इसमें भी मैं सुना कि रिटर्न के भी कुछ 50 रुपये अलग से वो चार्ज कर रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो फ्लिपकार्ट पर हमें यहाँ पर जो वो देखने को मिला। तो ये तो सिर्फ मैंने आपको हैंडफुल ऑफ चीज़ें बताया, और न जाने और क्या क्या होता होगा। तो अब यही एक चीज़ आपसे अलर्ट करने के लिए हमने वीडियो बनाया कि प्लीज़ थोड़ा बचिएगा फ्लिपकार्ट पर कुछ भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही है, स्कैम हो रहा है वगैरह वगैरह। तो मेरा मानना यही है कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको अलर्ट करना है। अब मैं जानता हूँ कुछ चुन्नू मुन्नू आएंगे जो बोलेंगे कि पहले तो फ्लिपकार्ट के बड़े वीडियो बनाता था, ये करता था, वो करता था। अरे जब भाई बनाते थे तब तो इतने इश्यूज नहीं थे, अब जब पानी सर से ऊपर जाता है तो करना पड़ता है। तो ये जो चुन्नू मुन्नू होते हैं, जब हम अच्छा बोलते हैं तो बोलते हैं कि हम पैसे खाते, जब हम खिलाफ़ बोलते हैं तो बोलते हैं कि ब्रांड ने पैसा नहीं दिया, या फिर किसी तीसरे ब्रांड ने हमको पैसा दिया रहेगा बुरा बोलने के लिए। तो इनको हम इग्नोर ही करते हैं, हमको सिर्फ रियल इशू पे फोकस करना है। आप बताइए क्या ये इशूज हो रहे ना, हमने बैठे बैठे तो इशू लाया नहीं, ये हो रहे हैं। 10-50 लोग मुझे टैग कर दो, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कोई भी ब्रांड हो, सर से पानी सर के ऊपर जाएगा, हम ज़रूर करेंगे। इतना ही नहीं, हम तो वो ग्रीन स्क्रीन के ऊपर भी जो लाइन आई थी उसके बारे में भी पोको वाले वीडियो में बनाकर बताया था, हमने ट्वीट भी किया था, ब्रांड को बोला भी था, उसमें वीवो भी था, उसमें सैमसंग भी था, उसमें ओप्पो भी था, सभी थे, वन प्लस भी था। हमने बोला था कि प्लीज़ सबको फ्री में रिप्लेसमेंट करके दीजिए, क्योंकि हम जनता के लिए बोलते हैं, हम बोलते रहेंगे, दुनिया को जो सोचना है वो सोचते रहे। तो आपको अलर्ट करते हैं दोस्तों, फ्लिपकार्ट का अगर आपका कोई सीन है तो कमेंट करके जरूर बताइए, ट्विटर पर जाइए, वैसे भी वो कुछ फायदा नहीं है, वो लोग तो रिप्लाई देते नहीं और दिमाग खराब करके रखे। फ्लिपकार्ट से फ्यूचर में जब भी सेल वेल आता है, कुछ होता है, थोड़ा अलर्ट रहना, ध्यान से कोई भी चीज़ प्रोडक्ट परचेज करना, और COD वाला ऑप्शन लगो तो ज़्यादा रहेगा, वरना पहले पैसा दे दो तो धक्के खाने अलग पड़ेंगे। इतने दोस्तों इस वीडियो के अंदर, उम्मीद करते हैं कुछ बात फ्लिपकार्ट तक जाए और ये चीज़ पर काम करें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों को अलर्ट करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए, ताकि आपके लिए हमें हम हमेशा खड़े रहेंगे और ऐसे वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहेंगे। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।